ज्ञानति विराम भ्रष्ट ज्ञानांजन कलाक्रिया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रियाद्वैत गदाधर श्रीवसदे गौर भक्तवृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव नित्यलीला भ्रमिष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सदस्य श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज को चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव परिप्राज आचार्य त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज को चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित त्रिदंडीपादगण वैष्णव वैष्णवी सभी का चरण में यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। आज हमारे परम सौभाग्य का दिन है। श्रील महाराज जी का अनुग्रह में हम लोग श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा करने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री चैतन्य महाप्रभु का जो अवदान है, चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को क्या दिया है, यदि किसी विषय को करने श्री लोचनदास ठाकुर एक सुंदर कीर्तन के द्वारा उनकी महाबदान्यता को दिखाते हैं। वो कीर्तन है बल एला गौरा रसा नदी कादंबी हो
जब उसी शाखा से फिर हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की एक उसमें शाखा निकलेगी, जब उसी शाखा से फिर तीन शाखा निकले और एक वृक्ष में फिर उसमें तीन विशेष करके उसमें तीन पुष्प हुए हैं, जो पुष्प की खुशबू सारा दुनिया में प्रभावित हुई, लेकिन उसमें एक विशेष पुष्प हुए हैं जिस पुष्प का सौरभ, जिसका सौष्ठव, जिसका सौगंध, जिसका सौभाग्य, जिसका सुंदरता, जिसका शोभा केवल भारत नहीं, जिसकी शोभा संपूर्ण विश्व में, जिसका सौरभ ऐसे गया विश्व ब्रह्मांड में जितने सारे भौरे थे, सारे भौरे को उन्होंने उन्माद ग्रस्त कर दिया। सबके सब आ करके वो पुष्प के ऊपर में बैठ करके अपना मधुर रस का आस्वादन कर रहे हैं। आप लोगों को लगता है वो पुष्प कौन है? इसलिए उसमें हमारे महाराज जी के विशेष पुष्प हुए हैं, जो कि संपूर्ण विश्व में जिनका सौगंध, सौकर्माक, सौष्टव, सुंदरता, सिद्धता संपूर्ण दुनिया को उन्माद करिए। कहते श्रीमद चैतन्य महाप्रभु लचन दास ठाकुर जी ये भजन में बता रहे हैं, उसने महाप्रभु सपार्षद सियोधान सहा बताई अपना परिकरों को साथ में संपूर्ण आ करके और एक एक परिकरों को द्वारा उन्होंने जो जगतवासियों को जो वस्तु प्रदान किया है, जिसके लिए रूप गोस्वामी कहते हैं नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरव किसनीमा। इसलिए जीव का केवल वरदान नहीं कहते महा महा वरदान है, खेलत धूलित खेलया विषदया प्रेमिल दामदया रसोदया, इसने कृष्णदास कविराज वस्तु इसने दया दया के उन्हें झरी लगा देते हैं। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु तब दया अमोघ उदय दया, महाप्रभु को जो दया है, उनको जो विचार, उनका जो वैशिष्ट और अलग अलग गोस्वामियों को द्वारा उन्होंने जिस विवेचना को, जिस रसधारा को उन्होंने प्रदान किया है, अभी तक किसी ने वो वस्तु को प्रदान नहीं किया है। तब उसने कौन कौन किसकी सुख के प्रदान किए हैं, तब मेघ तो सुंदर होता ही है लेकिन उसमें अगर बिजली चमके तो उसमें और विशेष सुंदरता जाती है। तब उसमें बिजली कौन आए है, तब रूप सनातनता है लगती है, तब महाप्रभु की मेघ में ये रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बिजली का काम किया है, बिजली के द्वारा जैसे सुंदरता बढ़ जाती है। इसलिए श्री मन चैतन्य महाप्रभु जो रूप गोस्वामी को द्वारा श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जेन भूतले स्वयं रूप गदामयम तदापि शोभनादिकम, श्री रूप गोस्वामी को द्वारा उन्होंने चम कल रूप शरीर न धारत तम ब्रज प्रेम माधुरी कपाट कौन उधारत। इसलिए उन्होंने जो ब्रज प्रेम रूपी जो समुद्र था, तक अगर रूप गोस्वामी नहीं होते तो वो कपाट को कौन उधारता, महाप्रभु को कौन जानता, वृंदावन धाम क्या कौन समझता। और जो उन्होंने उज्जवल निर्मली भक्ति रसामृत सुंदर की जो दो उन्होंने विशेष कपाट उन्होंने उद्घाटन करके जो विशेष वस्तु प्रदान किया है, जिस रूपानुगत को हम लोग अवलंबन करते हुए चैतन्य दूसरे दूसरे संप्रदाय में राधा कृष्ण को भक्ति करते हैं, लेकिन हम भी राधा कृष्ण को भक्ति करते हैं, लेकिन हमारे राधा कृष्ण का भक्ति और दूसरे दूसरे संप्रदाय में राधा कृष्ण का भक्ति में हम लोग जो रूपानुगत होकर जो भगवत भक्ति करते हैं, लेकिन ये रूपानुगत का क्या विशेष महत्व है, तभी रूप गोस्वामी ने ये चीज को दिखाया है, जिसमें साधारण दूसरे दूसरे संप्रदाय में सखी रूप में उपासना करते हैं, लेकिन जो मंजरी भाव को जो उपासना है, जिस रस में प्राण प्रेष्ठ सखी कुलादपी कील असंचकित भूमिका, जिस लीला में प्राण प्रेष्ठ सी ललिता विशाखादि सखियां जिसमें प्रवेश करने के लिए संकोच बोध करते हैं, अगर कोई अनुगत को होकर के अगर कोई सेवा करे तो वो संपूर्ण सेवा कमलार्पण फल वर्धन पैरदान सारादि जितने सारे सेवा रस केवल रूप गोस्वामी का अनुगत में को रस प्राप्त होता है। कहते सनातन गोस्वामी को द्वारा उन्होंने जो बृहद भागवत में तो जो ग्रंथ महाप्रभु ने सर्वप्रथम सनातन गोस्वामी को देख जो ग्रंथ में उसका किया, ये ग्रंथ पृथ्वी में अद्वितीय ग्रंथ है। सब लोग जानते हैं भजन भजन है, लेकिन उसमें जो भक्तों का वैशिष्ट दिखाया, ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेमापर और प्रेमातुर भक्त, उसमें जो रसायन उन्होंने जो वर्णना किया है, रसायन में भी ब्रज रस में जो श्रृंगार रस की जो उन्होंने विवेचना दिया है,
ये अद्भुत और हमारे संप्रदाय के लिए एक अद्भुत है। कल उसको द्वारा कहते राय रामानंद के द्वारा उन्होंने क्या किया, कहते राय रामानंद के द्वारा उन्होंने रस धारा उन्होंने बरसाया है जो कि स्वयं मिसा कर सकी। कहते कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी कहते जातक राखिल कुंभ हेम्ब कुंभ भरे, उन्होंने एक सोने का कलसी में उन्होंने दिव्य रत्न को भर दिया। कहते वो कौन सा रत्न है, कहते जो चैतन्य चरितामृत है। श्रीला महाराज पहले बताया करते थे, बोलते मैं सोचता था पहले जो रामचंद्र मानस है कि जगत में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, इससे साथ बड़ा ग्रंथ नहीं। लेकिन महाराज बताए, लेकिन जब मैंने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को जो पढ़ा, उसमें जो विवेचना, उसमें जो रस सिद्धांत, उसमें जो शास्त्र की विवेचना, जो रस की समुद्र उसमें भर दिया है, सचमुच से जिन लोगों ने पढ़े हैं संस्कृत समझ असाधारण है, लेकिन इसमें जो रस की जो विवेचना प्रभुपाद कर रहे हैं, पृथ्वी पर अगर सारे ग्रंथ अंदर ध्यान हो जाए, ऐसे कौन सा ग्रंथ है जो केवल एक ही ग्रंथ रहे जो सारे ग्रंथ का अभाव पूर्ण करेगा, तो कौन सा ग्रंथ है। जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ग्रंथ एक चैतन्य चरितामृत ऐसे एक ग्रंथ है जो एक ग्रंथ सारे ग्रंथ का अभाव को पूर्ण करेगा, ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ये कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी हृदय में कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी स्वयं कहते हैं आमार लेखन जन सुकर पठन पुतली नचाए, जैसे कि पुतकट पुतली को जैसे नचाते हैं उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु मेरे हृदय में जिस रूप में को स्फूर्ति करा रहे हैं उसी अनुरूप में ये ग्रंथ को वर्णना कर रहा हूँ। इसलिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जीव गोस्वामी को माध्यम करके उनके जो सर्व संदर्भ गोपाल चंपू आदि जो ग्रंथों को उन लोगों ने वर्णना किया है, महाप्रभु का जो अद्भुत वैशिष्ट्य है, जिन लोगों ने सचमुच से रसिक महाराज जैसे रसिक वैष्णव का अनुगत्य में ये सारे ग्रंथों का अगर कोई श्रवण करे, पृथ्वी में किसी संप्रदाय में ये सब ग्रंथ उपलब्ध नहीं, इतना सूक्ष्म विवेचना इतने गंभीर विवेचना किसी संप्रदाय में नहीं है, जिस संप्रदाय में जो हम लोग को जो प्राप्त है, हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु की धारा में आने पर जिस वस्तु को हम लोगों को प्राप्त है, ये चीज को जो जितने वैष्णव का संगत करेगा उतना ही उनको उपलब्ध होगा। सचमुच से हम कहाँ पर आएंगे, किस स्थान पर आए, केवल आए नहीं लेकिन आप लोग समझिए हम लोग श्री महाराज के पास में आए। मैं सारे गोगे मठ में जाता हूँ, जानता हूँ किसी गोगे मठ में इतना परिचय था समझे, यहाँ पर महाराज जी का अनुगत्य में हम जिस हरिकथा सुन रहे हैं ये केवल भारत नहीं केवल पृथ्वी नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड में भी ऐसे हरिकथा कहीं नहीं होगा। बहुत अभाव है समझे हम लोग परम सौभाग्य बात जब ऐसे प्रजरसी केवल रसी नहीं शास्त्र सिद्धांत शास्त्र ने बताया आचीन होती जब शास्त्र थे आचार्य स्थापय तब भी स्वयं आचार्य तो जस्मा आचार्य स्थल के दिखो आचार्य उसे कहते हैं जो स्वयं आचरण करे एवं प्रचार करे। हमारे महाराज जी को अगर विशेष करके दो चीज है महाराज जी के अंदर में आचरण नहीं, एक गुरु भाई दूसरे गुरु भाई को सम्मान करना बहुत कठिन है, लेकिन महाराज का जो गुरु भाई सीनियर गुरु भाई महाराज तो शास्त्र का प्रणाम करते थे कि इनका दल में जैसे भजन है वैसे उनका आदर्श है अब वैसे प्रचार भी है। इसलिए हम लोग परम सौभाग्य बात ऐसे महाराज का दर्शन इनका सान्निध्य हम लोग को प्राप्त हुआ है। इसलिए हम भगवान गुरु वैष्णव से महाराज से प्रार्थना करते हैं ऐसे ही हमको ऐसे ही ब्रजरसी ऐसे सिद्धांत तत्व दर्शन गुरु जी हम लोगों को जन्म जन्मांतर अगर मिलते रहेगा तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा।